उसकी शरण में आओ चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु यीशु बुलाता हमें, प्रभु यीशु बुलाता हमें। नदियां कल कल गाती है महिमा उसकी कृपा बरसाती है, कलियां नदियां कल कल गाती है महिमा उसकी कृपा बरसाती है, कलियां हम सब है उसकी संतान, क्यों न गाएं प्रभु गुणगान। दिल में हमारी जो बसता बिनती हमारी जो सुनता, उसकी शरण में आओ चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु यीशु बुलाता हमें, प्रभु यीशु बुलाता श्री हमारा यह बलिदान। प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संपन्न ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। Beep.
स्वर्ग पिता हमारे। पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा। पावन 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 जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। क्योंकि शक्ति महिमा होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सब के प्रभु सर्वदा आमीन। Yeah।
शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए, सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। आमीन। हम करते हैं प्रभु जी महिम गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिम गाते हैं, यीशु हम प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। प्रभु का महिमा गा, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे हम प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ये पावन में माँ में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और अम्बर कृपा कर, ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ। गुरु और आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान धराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है और पृथ्वी पर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए विधान धराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ,
वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूँगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद रखो करूँगा, और फिर कभी जलप्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। जब इंद्रधनुष बादलों में दिखाई पड़ेगा तो उसे देखकर मैं उस चिरस्थाई विधान का स्मरण करूँगा जिसे मैंने पृथ्वी के समस्त शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने नूह से कहा, यही उस संविधान का चिन्ह है जिसे मैंने पृथ्वी के सब शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाई और बहनों, राजाओं का दूसरा ग्रंथ से पाठ। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। जब प्रभु एलियाह को एक बवंडार द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था तो एलियाह एलिशा के साथ गिलगाल से चला गया। एलियाह ने एलिशा से कहा, यही रुक जाओ क्योंकि प्रभु ने मुझे बेतेल भेजा है। एलिशा ने उत्तर दिया, प्रभु की शब्द और आपकी शब्द, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब वे बेतेल गए। बेतेल में रहने वाले नबियों के शिष्य बाहर एलिशा के पास आए और उससे पूछने लगे, क्या तुम जानते हो कि आज प्रभु तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास से उठा ले जाने वाला है? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ, तुम लोग चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, एलिशा तुम यही रुको, प्रभु मुझे एरी को भेज रखा है। एलिशा ने उत्तर दिया, प्रभु की शब्द और आपकी शब्द, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अतः वे यरीको आए। यरीको में रहने वाले नबियों के शिष्य एलिशा के पास आकर उससे पूछने लगे, क्या तुम जानते हो कि आज प्रभु तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास से उड़ा ले जाने वाला है? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ, तुम लोग चुप रहो। एलिया ने एलिशा से कहा, तुम यहाँ रहो क्योंकि प्रभु मुझे यर्दन के तट पर भेज रखा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शब्द, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े, 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यर्दन के तट पर रुक गए तो वे कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब एलिया ने अपनी चादर ले ली और उस लपेट पर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों और घट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलिया ने एलिशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलिशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मीय शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलिया ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़े ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलिशा ये देखकर चिल्ला उड़ा, मेरे पिता मेरे पिता, इसराइल के रथ और घुड़ सवार। जब एलिया उसकी आंखों से ओझल हो गया था तो एलिशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वह एलिया की चादर को जो उसके शरीर से गिर गई थी उड़ाकर लौटा और यर्दन के तट पर खड़ा रहा। उसने एलिया की चादर से पानी पर छोड़ की जो विभाजित नहीं हुआ। वह बोला, एलिया का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर से पानी पर छोड़ की और पानी विभाजित होकर दोनों और हट गया और एलिशा नदी पार कर गया। एरिको के नबियों के शिष्य जो कुछ दूरी पर खड़े रह गए थे उसे देखकर बोल उड़े,
एलिय्याह की आत्मीय शक्ति एलिशा को मिल गई है। वे उससे मिलने आए, उन्होंने उससे दंडवत प्रणाम कर कहा, देखिए आपके दासों में हम 50 सामर्थ्य लोग हैं। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदाय और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से वाचन, आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। जो लोग ईसा मसीह के संयुक्त है, उनके लिए अब कोई धंडाकिया नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने, जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संगीता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हमें जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संगीता की धर्मग्रंथ पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इनका परिपूर्ण मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया, हर्ष मनाए, हल्लेलुया, हर्ष मनाए।
हम सब खड़े हो और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता किसी के न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पिता का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया पुनरुत्थान काल के छठवें इतवार में प्रवेश कर चुकी है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत योहन के पवित्र सुसमाचार से पांचवा अध्याय से जो भाग हमने पढ़ के सुना है, उसमें प्रभु ईसा मसीह का पिता से जो संबंध है, प्रभु ईसा मसीह का जो अधिकार है उसी के बारे में बताया गया है। इस पूरे सुसमाचार भाग का पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड हम ये कह सकते हैं कि पांचवा अध्याय में बतसैदा में प्रभु ईसा मसीह 38 साल से बीमार एक व्यक्ति को विश्राम दिवस के दिन चंगाई प्रदान करते हैं। इस पर यहूदी लोग आपत्ति जताते हैं, क्योंकि चंगाई प्राप्त करने वाले अपने चारपाई उठा के ले गया। विश्राम दिवस के यहूदी नियम के अनुसार विश्राम दिवस के दिन किसी भी चीज़ का उठाना या वहन करना अनुमति, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती है। इस पर प्रभु ईसा मसीह का विरोध करते हुए यहूदी जन आपत्ति जताते हैं। इसलिए हम इसी अध्याय के 18वां पद संख्या में हम पढ़ते हैं, अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे ना केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते हैं। तो कितना विषम परिस्थिति है यहाँ प्रभु ईसा मसीह का यहूदियों के बीच में हम देख सकते हैं। इसके बाद भी हमने जो आज का सुसमाचार पढ़ के सुना, वहाँ कितने व्यक्त रूप से पिता परमेश्वर से ईसा मसीह का संबंध
अपना स्वरूप, प्रकृति, ये सब बार बार प्रभु ईसा मसीह दोहराते हुए और उसे सुदृढ़ करते हैं। इतने विषम परिस्थितियों में भी अपना स्वरूप को, अपने अस्तित्व को, अपनी प्रकृति को यहूदियों के सामने रखने में तनिक भी प्रभु ईसा मसीह हिचकिचाते नहीं हैं। इस भाग में हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह 10 बार अपने को पुत्र 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 कहकर पुकारते हैं और पिता का नाम 6 बार लेते हैं। तो जो ईश्वर में, जो ईश्वरीय सत्ता में हम विश्वास करते हैं, उस ईश्वरीय सत्ता में पिता है और पुत्र है, और आत्मा के बारे में जैसे जैसे सुसमाचार आगे बढ़ते जाएंगे हमें बताए जाएंगे। तो ईश्वरीय अस्तित्व के बारे में तनिक भी संकोच बिना हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए, उस समय के यहूदियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ईसा मसीह कोशिश करते हैं, और इस विषय को सामने रखने में कितना भी कठिनाई सामने आ जाए उससे दूर भागते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। इसलिए प्रभु हमारे ईश्वरीय तत्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में निहित है, और उस पिता और पुत्र का बीच में जो प्रेम में रूढ़मूल संबंध, और पिता जो पुत्र को जो देने वाले अधिकार, इन सब के बारे में आज के सुसमाचार हमसे बताते हैं। इस सुसमाचार भाग से हम भी ये सीख लें कि जहाँ कहीं भी हमारी परिस्थिति कठिनाई भरा हो, फिर भी हमारे विश्वास को दूसरों के सामने दृढ़ होकर प्रस्तुत करने में, उस विश्वास को जीवन यापन करने में ईश्वर हमें मदद करे, और उस शक्ति को पाकर हम सुदृढ़ रूप से अपने विश्वास को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। हम आनंद उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वन दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नींदा, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू कृपा सागर है और सर्व गुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दादा है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर, हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सब के प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सर्वत्र कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वरत के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताई की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। ये प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर,
तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्य कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञ और आदर अर्पित करें। ये सब के प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभु परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तामस की याद हम करते हैं। विजय भक्तों शहीदों के संग छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। पवित्र
एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। अदृश्य अदृश्य सृष्टि का कर्ता है, एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का एकलौता पुत्र है और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है और मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित को सर्वत्र कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत धर्माधिशों तथा धर्माधिशों याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा ये बलिदान में सहायता मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्व हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञ आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। और आपको भी। भाई और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। वैसे ही नहीं अपनी कृपा। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मनी मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहें। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को, इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरी सम्मुख किया,
सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं या बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमा में तृतीय आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य हैं। सभी जीवों के कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य हैं। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवनिनी उपकार किया है। ए प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबिन तथा दिव्य सराफिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान एक दूजे से पुकार गाते हैं। पावन 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 नीश सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 नीश सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा प्रभु अवनीयंबर। तेरी महिमा गरिमनिरंदर। गूंजित हे प्रभु अवनीयंबर। तेरी हो प्रभु जय जय गा। तेरी हो प्रभु जय जय गा। होसाना होसाना होसाना। तेरी हो प्रभु जय जय। हे प्रभु ईश्वर इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है तेरा आत्मज है उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति वचन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन वितान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे श्री जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों को उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञ आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश्वर के संभोज फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माधि सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों समर्पितों एवं लोकतर में प्रेरितों के लिए, शासक और अधिकारियों के लिए, सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पुत्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिदारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हम, ये कुर्बाना स्वीकार कर। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और ये बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी बुआ से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रभुपुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों धर्माचार्यों धर्माधीक्षों याचकों और याचकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परम्परा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख फो मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदाय दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। ये मसीह स्वर्गवासियों की शांति भूवासियों की आशा विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर
पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरे उदार कृपाएं महिमा में पवित्र जीवन दाय दिवरेश्यों के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। ये प्रभु और तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदाय रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्ति दाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोककर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंधकरण को मनमुड़ा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पढ़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों और आपको भी लोगों के लिए है, एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो।
हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। ये मसीह मानव जाति की आशा, हमने तेरे जीवंत शरीर और अमूल्य रक्त के पवित्र ऐसियों को ग्रहण किया है। ये हमारे लिए दंड का कारण ना बने, बल्कि हमें अपराधों तथा पापों की क्षमा प्रदान करे और हमारा तुझ पर भरोसा बढ़ा दे। सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। प्रदायक प्रीति भोज में धन्य बना प्रभु इन घातों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में बनैन प्रभु पावन वीर से बनैन प्रभु पावन वीर से पुण्य बलों को चढ़ाने निरंतर धन्य बना प्रभु इन घातों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवनी देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। ये प्रभु ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपनी जीवनताई तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वरत का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हम अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। ये प्रभु जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु येसु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। क्षयनश्वर भाग्य यहि स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही प्रभु येसु ने बुलाया हमें स्वर्ग वही ले जाता हमें।
जो काताया तन मेरा खून यही जो पीता है सच्चा जीवन पाएगा उसमें वास करूंगा मैं अंतिम दिन में जिलाऊंगा दंडाज्ञा से बचा लूंगा शाश्वत जीवन में दूंगा सुन लो ये प्रभु वाणी आशीष दे बरसे वरदान संभाले प्रभु मंडली को चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर हम सारे भक्त लोगों को कारे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर जीवन दाई अरूपावन रहस्य हमने ग्रहण किए सलीब चिन्ह से अंकित हो विपत्तियों से मोचित हो प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा